नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स के हर एपिसोड में हम कवर करते हैं एक नई प्रॉपर्टी, रेरा अप्रूव्ड रेजिडेंशियल या कमर्शियल, अच्छा इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑप्शन, और जानते हैं उसके बारे में डिटेल में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी एंड बहुत ही नोन डेवलपर का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरिहंत डेवलपर्स के, अरिहंत वाइन के बारे में। वैसे तो ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च फेज से ही चर्चा में है एंड इट इज रिसीव्ड रियली गुड रिस्पांस। आइए जानते हैं डिटेल में कि क्या है इस प्रोजेक्ट में खास, किस तरह के साइजेस हैं, क्या है प्रोडक्ट पैकेजिंग, एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट डिटेल में। टैगलाइन दिया है प्रोजेक्ट को कि नॉट फॉर एनीवन एंड नॉट फॉर एवरीवन। सो ऑफ कोर्स वी कैन इमेजिन कि जो एमिनिटीज दी गई हैं या जो भी चीज़ें प्लान की गई हैं प्रोजेक्ट में, दोज आर डिजाइन वेरी केयरफुली। बहुत ही नीश लोगों के लिए है, सिलेक्टेड लोगों के लिए है, ऐसा इनकी ब्रांडिंग कह रही है। चलिए बात करते हैं हाईलाइट पॉइंट्स में कि क्यों लेनी चाहिए हमें ये प्रॉपर्टी। सो अगर मैं हाईलाइट पॉइंट्स में बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट को बेस्ट लग्जरी अवार्ड मिला था टाइम्स बिजनेस अवार्ड में लास्ट ईयर। मेरे हिसाब से जो बेस्ट फीचर है वो है कि एक फ्लोर पे सिर्फ चार फ्लैट्स ही हैं और चार लिफ्ट्स हैं। सो यू अपार्टमेंट में रहते हुए यू गेट द प्राइवेसी, द काइंड ऑफ सॉलिट्यूड या आपके फैमिली का एकदम प्राइवेट स्पेस हो जाता है। लैंडस्केप रूफटॉप गार्डन दिया गया है विद अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज। ट्रिपल हाइट क्लब हाउस का एंट्रेंस है। अरोमा गार्डन दिया गया है सिटिंग सिट आउट अरेंजमेंट्स के साथ। तो बहुत ध्यान रखा गया है कि यू एंजॉय योर टाइम पीसफुली एंड सारी एमिनिटीज उस तरह से बनाई गई हैं। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 1 में, ग्रेटर नोएडा में, वेस्ट की साइड में। और आपको पता है कि इस वाले एरिया में बहुत सारे रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन में अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ फ्लैट्स एंड रेजिडेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। दिस इज वन ऑफ देम। जहाँ पे ये लोकेटेड है उसके आसपास ही अरिहंत के चार और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अरिहंत आर्डन भी वहीं पर है। अगेन ये जो है बिस्टर रोड पे लोकेटेड है और यहाँ से कनेक्टिविटी नोएडा टू ग्रेटर नोएडा लिंक रोड के साथ और विकास मार्ग के साथ बहुत अच्छी है। यहाँ की अगर हम कमर्शियल हब्स की बात करें तो आर्था एसईजी जो टेक जोन 4th में है, नॉलेज पार्क 5, ये सब 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में है यहाँ से। अगेन बिजनेस पार्क जो एनसेस में है प्लस सेक्टर 132 में लोकेटेड है, सेक्टर 142 में है, वो सब भी यहाँ से काफ़ी अप्रोचेबल है 15-17 किलोमीटर के डिस्टेंस में। सो आधा घंटा मैक्स टू मैक्स का रास्ता है। अगर हम बात करें यहाँ से ताज हाईवे बहुत पास है, FNG एक्सप्रेसवे बहुत पास है और NH24 और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है अप्रोचेबल है, 15-20 मिनट का डिस्टेंस पे है। गौर सिटी मॉल 6 किलोमीटर पे है, स्पेक्ट्रम मॉल मेट्रो मॉल 10 किलोमीटर पे है, लॉजिक सिटी सेंटर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, पारस पब्लिक स्कूल, आरएल इंटरनेशनल स्कूल, देशराज पब्लिक स्कूल, ये सब यहाँ पास में लोकेटेड है। यथार्थ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, निक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी इसी सेक्टर में लोकेटेड है। गाजियाबाद जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स पे लोकेटेड है। सो आप देख पा रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अप्रोच, देन एयरपोर्ट, रेलवे, रोड कनेक्ट, सबकी अच्छी कनेक्टिविटी है। हम अगर स्कूल एजुकेशन में बात करें, स्कूल्स कॉलेजेस पास में ही लोकेटेड हैं, हॉस्पिटल्स पास में हैं। हम हमेशा कहते हैं हॉस्पिटल इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग, आपको पास में होना ही चाहिए। वेर एवर यू स्टे ऑलवेज लोकेट अ हॉस्पिटल नियर बाय। एजुकेशन तो अच्छी है ही, आपके रिक्रिएशन एंड लाइक एंटरटेनमेंट के लिए मॉल्स हैं पास में या कन्वीनियंट शॉपिंग स्टोर्स हैं पास में। सो इट इज़ अ वेरी हैबिटेबल लोकेशन। सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल पास में लोकेटेड है, केंद्रीय IBM पास में है, जिम्स नोएडा एक्सटेंशन कॉलेज पास में है, गौर सरोवर प्रीमियर पास में लोकेटेड है, नोएडा 101 का मेट्रो स्टेशन इज लोकेटेड नियर बाय,
जो अपना गोल्फ कोर्स है क्रॉसिंग्स रिपब्लिक का, वो भी पास में लोकेटेड है। सो क्योंकि ये एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेबल ऑप्शन अगर आप परचेज के लिए कोई अपार्टमेंट देख रहे हैं तो। एंड इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन टू रिलाई ऑन अरिहंत डेवलपर्स, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, अच्छा ब्रांड नेम है, अच्छी डिलीवरीज करी है उन्होंने एंड दे हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट। अरिहंत का अब तक 7 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में। सो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो 2.5 एकड़ के लैंड एरिया में आ रहा है ये प्रोजेक्ट, 308 यूनिट्स में ऑफर करने के लिए। प्रोजेक्ट में 3 टावर हैं, 26 स्टोरी। सो यू कैन अगेन आई वुड मेंशन कि आपको मैंने पहले बोला था हर फ्लोर पे सिर्फ 4 यूनिट्स ही हैं। सारी अमेनिटीज का ध्यान रख के बनाया गया है इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आपको 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं साइज की बात करूँ तो 1760 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, 1795 स्क्वायर फीट का 3 BHK है एंड 4 BHK में भी सिमिलरली 2175 और 2210 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं प्रोजेक्ट के अंदर में। अगर आप प्रोजेक्ट प्लान में देखेंगे तो आपको तीनों टावर दिख जाएंगे, तीनों टावर के जो डेडिकेटेड स्पेसेस हैं वो, एंड उसके अलावा जो हमारा क्लब हाउस एरिया है, पार्टी लॉन दिया गया है, ओपन एयर थिएटर दिया गया है, फ्लेक्सोलॉजी पार्क है, लार्ज कम्युनिटी ग्रीन स्पेस है, यहाँ पर जिम दिया गया है, लाइब्रेरी यूनिट है, स्कल्पचर कोर्ट है प्रोजेक्ट में, सीनियर सिटीजन के लिए सेट आउट पॉइंट दिए गए हैं। अगेन अगर हम बात करें इंडोर गेम्स का स्पेस दिया गया है बच्चों के लिए, आउटडोर के लिए तो ओपन स्पेसेस हैं ही डेफिनेटली, स्पोर्ट्स जोन दिया गया है, क्रिकेट पिच है, पेट पार्क अलग से दिया गया है। पेट पेरेंट्स के लिए इट इज़ ऑलवेज अ कंसर्न कि पेट्स को कहाँ पे लेकर के जाएं, बट ऑफ कोर्स नॉट इन प्रोजेक्ट्स लाइक अरिहंत वन वेयर थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। मल्टीपर्पज कोर्ट है प्रोजेक्ट में, विजिटर पार्किंग जो कि हमेशा एक ट्रबल होती है विजिटर पार्किंग, बट वो यहाँ पे ध्यान रखा गया है एंड ऑलरेडी लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, 3 टावर ही हैं, सो लिविंग हियर वुड बी कन्वीनियंट। ओपन स्पेस बहुत रखा गया है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अच्छे हाई एंड स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। अगर आप इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं अरिहंत वन के बारे में तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप अपने लिए प्रॉपर्टी लें, रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही लें। एंड अरिहंत ऑफ कोर्स इज अ बिग ब्रांड, बट हमेशा डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें चेक करके लें, अपना प्रेजेंट प्लान्स, अपना एक्सपेंसेस, अपना जो भी मुझे शिफ्ट होना है या नहीं, आपके जो पर्सनल गोल्स हैं, प्रोफेशनल गोल्स हैं, फैमिली के जो प्लान्स हैं उनको ध्यान में रख कर के ही घर का परचेज प्लान कीजिए। अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली इट शुड बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस पॉइंट। अगर आप चाहें तो आप किसी कंसल्टेंट को भी, जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं, जिन्हें इंडस्ट्री का ओवरऑल एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, दे विल बी हैप्पी टू सर्व। ये वीडियो तो डेफिनेटली हमने डिस्कशन करी इस प्रॉपर्टी के बारे में, बट जब भी आप परचेज प्लान करें तो विजिट कीजिए प्रोजेक्ट की साइट को, ज़रूर देखें प्रोजेक्ट को बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, टीम से बात करें, सेल्स टीम से या हमसे कनेक्ट करें, विल बी हैप्पी टू सर्व। नमस्कार।